वैसे दोस्तों, भी कुछ महीने पहले ही शाओमी ने इंडिया में अपने लैपटॉप्स को लॉन्च किया था, लेकिन आज उन्होंने एक नया लैपटॉप लॉन्च कर दिया है। मी नोटबुक 14 इंच ई लर्निंग एडिशन बोल के ये लैपटॉप लॉन्च हुआ है। थोड़ा सस्ता लैपटॉप है। आपको पता होगा कि जो लैपटॉप्स उन्होंने जून के महीने में लॉन्च किए थे वो कोर i5 से स्टार्टिंग थे, लेकिन ये लैपटॉप कोर i3 में मिलता है। तो प्राइस भी इसकी कम है। सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मी नोटबुक 14 इंच ई लर्निंग एडिशन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले को लेके। तो मी नोटबुक 14 इंच ई लर्निंग एडिशन में आपको 14 इंच की डिस्प्ले मिलती है, फुल एचडी की डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन है 1920x1080 पिक्सल्स का। एलसीडी पैनल की डिस्प्ले मिलती है और एंटी ग्लेयर प्रोटेक्शन का भी आपको यहां पर सपोर्ट मिलता है। 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है और 81.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी देखने को मिल जाएगा। 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल इसमें देखने को मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको वेबकैम बिल्ट इन मिलता है। इसके पहले जो लैपटॉप शाओमी के लॉन्च हुए थे उसमें आपको एक्सटर्नल वेबकैम मिलता था, लेकिन इसमें आपको इनबिल्ट वेबकैम मिलता है एचडी का, 720p का। बेसिकली ये वेबकैम यहां पर देखने को मिल जाता है। बात करें अगर प्रोसेसर की, तो मी नोटबुक 14 इंच ई लर्निंग एडिशन में 2.1 गीगाहर्ट्ज ड्यूल कोर 10th जनरेशन इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर मिलता है, जो टर्बो बूस्ट होके अप टू 4.1 गीगाहर्ट्ज तक हो सकता है। ग्राफिक्स की बात करें तो यहां पर आपको इंटेल की ही डेडिकेटेड ग्राफिक्स यहां पर देखने को मिलती है। अल्ट्रा एचडी ग्राफिक है 620 की। बात करें अगर यहां पर रैम की, तो इस लैपटॉप में 4GB की DDR4 की रैम मिलती है और 256GB की SATA 3 SSD देखने को मिल जाती है। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो इस लैपटॉप में विंडोज 10 होम आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर वहीं पर कीबोर्ड की, तो इसमें आपको फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलता है, लेकिन आपको नंबर पैड साइड में देखने को नहीं मिलेगा। टच पैड की अगर बात करते हैं तो मल्टी टच पैड सपोर्ट ये सपोर्ट करता है, बेसिकली जो यहाँ पर टच पैड है। और जो स्पीकर इसमें मिलते हैं, आपको दो स्पीकर मिलेंगे 2 वाट्स के, जो DTS ऑडियो को सपोर्ट करते हैं। बात करें अगर कुछ कनेक्टिविटी फीचर्स की, तो इस लैपटॉप में ड्यूल बैंड वाईफाई मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.0 है, 2 USB Type-A पोर्ट है, USB 3.1 फर्स्ट जनरेशन के साथ में आता है, और 1 USB Type-A पोर्ट है, USB 2.0 के साथ में आता है, 1 HDMI पोर्ट मिलता है और 3.5 mm का हेडफोन जैक भी मिलता है, और आपको एक DC पावर पोर्ट मिलता है जिसकी मदद से आप अपने लैपटॉप को चार्ज कर पाओगे। वहीं पर इस लैपटॉप में 46 वाट की बैटरी देखने को मिलती है और इसके साथ में 65 वाट का एक फास्ट चार्जर मिलता है। Xiaomi ऐसा क्लेम करता है कि एक बार ये फुल चार्ज होने पे 10 आवर का बैटरी बैकअप आपको दे देगा। ये डिपेंड करेगा आपके यूसेज के ऊपर में कि क्या आपका यूज होने वाला है। वहीं पर इस लैपटॉप की जो बॉडी आपको मिलती है वो मेटल की बनी हुई है, यूनिबॉडी डिजाइन मिलता है। तो 1.5 ग्राम इसका वेट बताया जा रहा है, काफी ज्यादा लाइट वेटेड ये लैपटॉप होने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इसके प्राइस वगैरह की, तो मी नोटबुक 14 इंच ई लर्निंग एडिशन की जो स्टार्टिंग है, बेसिकली एक ही वेरिएंट इसमें आता है, वो अगर आप अभी के टाइम पे लोगे, जैसे सेल वगैरह अभी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है, तो 34,999, लगभग 35,000 का ये मिलेगा। और नॉर्मली इसकी प्राइस होने वाली है 36,999, लगभग 37,000 रुपीज़ का। तो अगर आपको भी एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, खास करके Xiaomi का लैपटॉप चाहिए, कोर i3 SSD वगैरह हो, तो मैं लिंक्स आपको बेस्ट बाय लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाके जरूर से एक बार चेकआउट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप जरूर से लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।